स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल फिलीगुई स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन को, जिसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसा है ये फ़ोन और बात करेंगे उसके फीचर्स के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल आप हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वो फ़ोन Redmi Note 9 Pro। आप फ़ोन की झलक बॉक्स पे देख सकते हैं और यहाँ पर इंडियाज़ नंबर वन फ़ोन मेंशन है। बॉक्स के टॉप में भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अगर हम देखें बॉक्स के राइट साइड तो यहाँ लिखा मिल जाता है Redmi Note 9 Pro। बॉक्स के लेफ्ट साइड में भी लिखा है Redmi Note 9 Pro। बॉक्स के बैक साइड में भी कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं जो कि इसी फ़ोन से ही रिलेटेड है। ये फ़ोन इंटरस्टेलर ब्लैक कलर में है और नीचे मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा हुआ है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये इंटरस्टेलर ब्लैक कलर दिखने में कैसा है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ दिख जाता है एक और पैकेट। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। यहाँ हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, इसी के साथ मिलता है फ़ोन का मैनुअल, एक सॉफ्ट प्लास्टिक कवर फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए। चलिए फ़ोन को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और इसको साइड में रखते हैं फ़िलहाल के लिए। देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ हमें मिलता है 18 वाट का फास्ट चार्जर, USB A टू USB टाइप सी केबल। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वो फ़ोन Redmi Note 9 Pro इंटरस्टेलर ब्लैक कलर में। फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, हाथ में लेने पे एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इसका बैक स्टिकर हटा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका कलर तो दिखने में ब्लू लग रहा है लेकिन फिर भी कंपनी ने इसका नाम इंटरस्टेलर ब्लैक रखा हुआ है। खैर, बढ़ते हैं इसके अगले फीचर्स की तरफ। यहाँ हमें टॉप में मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर। फ़ोन के लेफ्ट साइड में मिल जाता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल करके आप फ़ोन की मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करें अगर बॉटम की तो यहाँ हमें मिल जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और एक स्पीकर। फ़ोन के राइट साइड में मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जिससे आप पावर ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं, और उसके ठीक ऊपर दिया है वॉल्यूम रॉकर। रियर में क्वाड कैमरा सेटअप के अलावा मिल जाता है रेडमी की ब्रांडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़ोन को जल्दी से बूट कर लेते हैं। आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ़ोन हमारा बूट हो गया है और पहली नज़र में तो स्क्रीन वाओ, बहुत बढ़िया दिख रही है स्क्रीन यहाँ पे, और इसके कलर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। ये 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल्स है और इसकी डेंसिटी 400 पिक्सल पर इंच है। इस फ़ोन का एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 का है। दोस्तों, मुझे तो ये स्क्रीन बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, इसमें कलर वगैरह काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। फ़ोन के फ्रंट में हमें मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फी के लिए। बात करें अगर इसके रियर कैमरे सेटअप्स की तो यहाँ हमें मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सैमसंग GM2 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस दिया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ जो कि इसी मोबाइल से ली गई हैं। ये सारी तस्वीरें आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके इंटरनल पावर की तो यहाँ हमें मिल जाता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जहाँ पर प्राइमरी क्लॉक स्पीड 2.3 GHz की है और GPU मिल जाता है एड्रीनो A618 का।
दोस्तों ये फ़ोन रन होता है MIUI वर्जन 11 पे, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये फिंगर को तेज़ी से सेंस करके स्क्रीन को अनलॉक कर दे रहा है। फ्रेंड्स, इस फ़ोन में 5020 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये था Redmi Note 9 Pro। जैसा कि अभी आपने देखा, ये एक प्रीमियम मिड रेंज फ़ोन है। फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया है। पर्सनली इसका कैमरा और स्क्रीन मुझे बहुत पसंद आई और बैटरी बैकअप तो इसका कमाल का है। दोस्तों, फ़ोन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहे इसी तरह से हमारे साथ, देते रहे अपना ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।